तो जय हिंद दोस्तों, आज फाइनली जे एडवांस का रिजल्ट आया है और रिलायबल इंस्टीट्यूट से हिस्ट्रिकल ए आर फाइव आई है और हमारे साथ मयंक जिन्होंने AIR5 अचीव की है। तो मयंक, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। किस तरीके से तैयारी की थी? और मैं जो अपना जो टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो रिवाइज करता था और अपने होमवर्क पे पहले सबसे पहले ध्यान देता था। बाकी जो टेस्ट वगैरह रहते थे वो काफ़ी अच्छे पैटर्न के रहते थे और वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे अपने जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने के लिए और अपना आप किस लेवल पे हो, स्टैंड करते हो, वो पता करने के लिए। अच्छा, रिलायबल से आपने कोचिंग करी है तो कैसा यहाँ से सपोर्ट मिला है आपको टीचर से, सारा स्टाफ वगैरह से? रिलायबल से मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है यहाँ पे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया। उसके अलावा बाकी काफ़ी सारे टीचर स्टाफ में मेरे लिए टेस्ट प्लान करते थे या वाइवा लेते थे और जो भी जो नॉन एकेडमिक स्टाफ जिनने मेरी मटेरियल दिलाने में मदद की या फिर कोई मेरे को बुक्स चाहिए हो तो वो दिलाने में मदद की, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस वगैरह जेई मेंस की, तो उन स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी आप सजेस्ट करना चाहेंगे, किस तरीके से उनको स्टडी वगैरह करना चाहिए? मतलब ऐसी फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं, पर जो आपके टीचर्स कर रहे हैं उसको आप पूरा वो लकीर की तरह मानिए और उस पर फोकस करिए कि आपको जो रिवीजन है और होमवर्क है वो तो पूरा करना ही है। अच्छा, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी सोशल मीडिया से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपकी इस पर क्या स्ट्रेटजी रही? मैं मतलब सोशल मीडिया तो कम ही यूज़, मतलब व्हाट्सएप मेरे को टीचर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, पर उसके अलावा तो मैंने नहीं चलाया है एक साल से सोशल मीडिया। और मतलब ये तो आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है इसमें, मतलब टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं शुरुआत करने में पर सेल्फ मोटिवेशन जरूर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूँगा कि दिन में आप कितने घंटे लगभग स्टडी करते हैं? मैं वेरी करता है, 8, 10, 6 भी हो जाता है कोचिंग के बाद। हाँ, कोचिंग के बाद। अब साथ में हमारे साथ ब्रजेश सर भी है और सर रिलायबल से बेस्ट रैंक आई है अपनी 5 रैंक, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अरे, रिलायबल की रैंक नॉर्थ की टॉप रैंक है जी, मतलब अगर रिजल्ट देखें तो बहुत धमाकेदार है। केवल 3 साल में इतना टॉप रिजल्ट अप्रत्याशित, वो भी 5th रैंक, और एक छोटे से बच्चों के ग्रुप के अंदर केयरिंग का, जो कि LN ने 3 साल पहले एक पौधा रोपित किया था, नाम दिया था इस कंडीशन पर कि बच्चों का पेरेंट्स का भरोसा रहे, और उस भरोसेमंद के हिसाब से नाम दिया रिलायबल, और ये पूरे भरोसेमंद के हिसाब से ये रिलायबल शब्द को इन्होंने चरितार्थ किया है, पूरा 100% हर तरह से खरे उतरे हैं। दिस इज पार्ट ऑफ यूनिट ऑफ ACIPL, यूनिट ऑफ LN ग्रुप, जिसने बच्चों की कोरोना के टाइम में ऐसी अल्टीमेट केयरिंग करी, बच्चों का लगातार मोमेंटम, उनका हमेशा पुश अप रखना, उनको लगातार अपने को एक इन्वॉल्व रखना, एंगेज रखना, ताकि बच्चा कहीं डिस्ट्रक्शन को महसूस ही नहीं करे, बाहर के एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, लेकिन अगर बच्चे को आपने अर्जुन बना दिया है तो फोकस होकर अपने गोल को लेकर चल रहा है, फिर ऐसा धमाका करता है, वही मेहनत खामोशी से सफलता शोर मचाती है। ये सर, अभी रिलायबल से कौन कौन सी रैंक आई है सर? अभी रिलायबल हम देख ही नहीं रहे, बस 5वीं रैंक पर रुके। अच्छा अच्छा जी, भाई ये उत्सव तो मनाए पहले, खुशी का टाइम, उस समय जैसे लॉटरी निकलती ना, तो ये लॉटरी नहीं, ये मेहनत वाली है, जहाँ पे ऐसी कामयाबी हासिल हुई है जिसके अंदर पूरी टीम अंदर से लग रहा है बस त्यौहार मनाए, उत्सव मनाए, बाकी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं इनका थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।